नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 8 स्थानों पर शहर में किया श्रमदान। जिला कलेक्टर अमित मेहता सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी हुए शामिल। कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिलें की बरामद। गंगापुर थाना अंतर्गत उल्लाई गांव में गैस सिलेंडर में रिसाव होने से लगी आग, सामान जलकर खाक। शाहपुरा जिले को हटाने के विरोध में निकाली वाहन रैली, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के चरलिया ब्राह्मण गांव में नदी में नहाने गए 2 बालक, अचानक नदी में बहे, तलाश जारी। जिला कलेक्टर अमित मेहता द्वारा गोविज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए पुस्तक का किया विमोचन। जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शनिवार को नगर निगम क्षेत्र में 8 स्थानों पर सफाई अभियान के तहत श्रमदान किया गया। मुख्य सफाई अभियान शहर के मध्य स्थित आजाद चौक में चलाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अमित मेहता, महापौर राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर मेहता के साथ ही अन्य अधिकारियों ने सफाई कार्य में भागीदारी निभाते हुए झाड़ू लगाया और कचरा भी उठाया। इस अवसर पर मेहता ने स्वच्छता को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की और कहा कि स्वच्छता हमारे शहर की सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। साथ ही महापौर राकेश पाठक ने घरों में कचरा डस्टबिन में इकट्ठा कर उसे निगम की ऑटो टिपर में डालने का आग्रह किया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। अभी जैसा आपको विदित है, स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भीलवाड़ा शहर और जिले में भी बहुत सारी गतिविधियाँ स्वच्छता को देखते हुए करी जा रही है। आज लोग सामूहिक श्रमदान सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का रखा गया था, सारे हमारे सम्मान्य जनप्रतिनिधि का भी इसमें हिस्सा उन्होंने लिया। और जो देखने में आया कि कई दुकानें और कई जो ठेलाधारक हैं वो लोग एक छोटा सा डस्टबिन और वो नहीं रखते, तो उनसे समझाइश करने के बावजूद भी यदि वो नहीं समझे तो फिर कमिश्नर साहब को कहा गया है कि चालान की कार्रवाई भी करनी चाहिए। स्वच्छता तो एक निरंतर प्रक्रिया है। ये स्वच्छता ही सेवा अभियान में हमारी कोशिश ये है कि लोगों में एक स्वच्छता का संदेश जाए और साफ अपने क्षेत्र को रखना, अपने एरिया को रखने की जो आदत है वो जीवन में उतारने का कोशिश हम कर रहे हैं कि लोग उस बात को समझें कि सफाई रखना कितना आवश्यक है। तो इसलिए ये पूरा श्रमदान की एक्टिविटी और बाकी सारे जो अभी नुक्कड़ नाटक भी आपने देखा, उस सब की मंशा ये है कि लोगों के अंदर सफाई मेंटेन रखने की आदत विकसित की जा सके। आने वाला 2 अक्टूबर जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक तो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। माननीय जिलाधीश महोदय और जनप्रतिनिधि का ये प्रयास है कि हम ये आने वाला पूरा वर्ष स्वच्छता के लिए करें, इसके लिए जागरूकता अभियान करके और जनता की भागीदारी कैसे हो सके उस और प्रयास है, उसी के तहत सारे जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारी जनता को संदेश देने के लिए खुद सप्ताह में कम से कम 2 घंटे श्रमदान का जो हमने शपथ ली है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर भिलवाड़ा शहर में चुराई 8 मोटरसाइकिल बरामद की। 23 सितंबर को थाना कोतवाली पर प्रार्थी मुकेश कुमार पिता राधेश्याम तेली निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ ने रिपोर्ट दी कि 12 सितंबर को अरियंत हॉस्पिटल भिलवाड़ा के बाहर से मेरी मोटरसाइकिल अज्ञात चुरा कर ले गए। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। शहर कोतवाल राजपाल सिंह ने पुलिस थाना कोतवाली टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फूलचंद पिता सोहनलाल धाकड़ उम्र 23 साल निवासी तुमड़िया थाना साड़ा चीला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने 8 मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। शहर, गाँव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल.com
आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर वे वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। शाहपुरा जिले को हटाने की अटकलों ने शहर में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। इसके विरोध में जनता ने शनिवार को महलों का चौक से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाली। शहर के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शाहपुरा को जिला बनाए रखने की पुरजोर मांग की गई। शनिवार को निकाली गई वाहन रैली में शहर के हर वर्ग के लोग शामिल थे। भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। रैली के अंत में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शाहपुरा को जिला बनाए रखने के लिए अनेक तथ्य प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने कहा कि शाहपुरा का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व है और इसे जिला बनाए रखना न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है बल्कि यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान भी है। मूलचंद पेशवानी की रिपोर्ट। बिलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना अंतर्गत उल्लाई गांव में गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई, जिससे वहां रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। उलाई के रहने वाले भेरूलाल जाट का कहना है कि उसने शाम गैस एजेंसी से गैस सिलेंडर लिया था। उसमें गैस रिसाव हो रहा था और वह सिलेंडर लेकर कंपनी कार्यालय भी गया, लेकिन उसे ठीक किए बिना ही वापस भेज दिया। रात 11 बजे जब उसकी पत्नी दूध गर्म करने लगी तो गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भेरू जाट ने इस संबंध में एक रिपोर्ट गंगापुर थाने में भी दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के चरलिया ब्राह्मण गांव में शनिवार को दोस्ती के साथ नदी में नहाने गए दो बालक अचानक नदी में पानी का वेग बढ़ने से बह गए। बहे बच्चों की सिविल डिफेंस की टीम तलाश में जुटी है। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं। चरलिया ब्राह्मण गांव में सुबह बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे। इससे पहले शुक्रवार रात को मध्य प्रदेश के दारू गांव में बारिश हुई थी, जिससे शनिवार सुबह चरलिया ब्राह्मण गांव में नदी का पानी का वेग अचानक बढ़ गया। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने आप को बचा नहीं पाए और तेज बहाव में बह गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह करीब बच्चे बाइकों से नदी के किनारे आए थे। नहाने के दौरान 3 बच्चे नदी के बीच में चले गए, जबकि बाकी 8 बच्चे किनारे पर ही रुक गए थे। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे एक बच्चा तो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन 2 बच्चे अंकित और चिंटू तेज बहाव में फंस गए। इस दौरान वहां मौजूद किसी की भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 11 बजे सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन फिलहाल बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। चीले के मोमी गांव में घटित हादसे में 83 साल की महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदारी में मौत होने से शोक व्यक्त करने दूसरे गांव गए हुए थे। इनको घर लौटने के बाद तलाश के दौरान महिला की लाश कुएं में मिली। मोमी निवासी गोपी रेबारी ने बताया कि शुक्रवार को उसके छोटे भाई की सास का निधन होने से परिवार के सदस्य दूसरे गांव गए थे। घर पर उसकी दादी सायरी रेबारी 83 अकेली थी। शाम को जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो दादी सायरी घर पर नहीं मिली। तलाश करने पर दादी का शव खेत पर बने कुएं में मिला। गोपी ने बताया कि संभवतया पशुओं को पानी पिलाने के दौरान उसकी दादी कुएं में जा गिरी और डूब गई।
कारोई थाने के दीवान हेमराज ने बताया कि सायरी का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। कोई शख्स हुआ हो तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई शख्स नहीं है, हम हमारे दूसरे गांव मौत होगी वहां गए हुए थे, शाम को पता पड़ा कि वो कुएं में मिली। माता जी का पोस्टमार्टम करा दिया है, लाश परिवार को सपोर्ट कर दिया। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप यूट्यूब चैनल, संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, bhilwarahalchal@gmail.com। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला कलेक्टर अमित मेहता के निर्देशन में जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में शनिवार को विशेष सफाई अभियान रखा गया। इसमें जिला परिषद मुख्यालय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपाल सिंह भाटी के संयोजन में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अवकाश के बावजूद कार्यालय में उपस्थित होकर श्रमदान किया और अपने अपने कार्यालयों परिसर की सफाई की एवं पत्रावलियों का भी निस्तारण किया। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक दिनेश चौधरी, XCN हरिकेश सिंह, सहायक लेखा अधिकारी अरुण पुरोहित, राम अवतार डूडी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद जैन, जूनियर असिस्टेंट मनीष भट्ट, निरंजन बुलिया, अभिषेक न्याती, मनरेगा समन्वयक आशीष स्वर्णकार, स्टोर प्रभारी गिरिराज व्यास, अजय विजयवर्गीय, मोहम्मद इमरान सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वच्छता संदेश का प्रचार प्रसार भी किया गया। इसी प्रकार जिले के सभी उपखंड अधिकारियों व पंचायत समिति विकास अधिकारियों के संयोजन में ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों सहित समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्टाफ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्य कर जल व प्रकृति संरक्षण, वृक्षारोपण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त जलवायु एवं स्वच्छता बनाए रखने की सामूहिक शपथ ली गई। रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जो कि जानलेवा होती है, इसलिए इसके प्रति जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर तरुण गौड़ ने बताया कि विश्व रेबीज डे पूरी दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जाता है। 2007 में WHO ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा रेबीज से प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 40,000 से 60,000 प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। रेबीज एक चुनौती वाली बीमारी है जो जानवरों से आदमियों में फैलती है। इस मौके पर आज कुत्ते और बिल्ली को वैक्सीनेट किया गया और पालने वाले लोगों को सूचित किया गया कि इनका टीकाकरण समय पर करवाएं। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि यदि कोई कुत्ता बिल्ली लोगों को काट ले तो उसका समय पर इलाज समय पर करवाएं ताकि उन्हें बताया जा सके, इसमें कोई लापरवाही न बरतें। विश्व रेबीज डे पर टीकाकरण के लिए भिलवाड़ा में भी कैंप लगाया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेबीज डे, जो पूरी दुनिया में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। सन 2007 WHO ने इसकी शुरुआत की थी। रेबीज से पूरी दुनिया में करीबन 40,000 से 60,000 लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। दुख की बात है, जिनमें से ज्यादातर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। रेबीज एक डेडलीस्ट फैटल वैक्सीनेशनल जूनोटिक डिसीज है, यानी जानवरों से आदमियों में फैलती है। तो आज का जो हमने कैंपेन का शुरुआत किया है, मैक्सिमम एनिमल्स को, पेट्स को, मुख्यतः कुत्ते और बिल्ली और बाकी एनिमल्स को वैक्सीनेट करेंगे, अपने स्टाफ को, लोगों को, पालने वालों को अवेयर करेंगे कि टीकाकरण समय पे कराएं, और आपको कोई एनिमल काट लेता है तो अपना टीकाकरण भी समय पे कराएं, ताकि इस बीमारी से होने वाले नुकसान से वैश्विक समुदाय को और इन सब लोगों को बचाया जा सके। एक्चुअली मैक्सिमम जो केस आते हैं, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, 90% वो डॉग से ही होता है, लेकिन ये बिल्ली से, लोमड़ी से, रैबिट से, गिलहरी से, इनके काटने से भी हो सकता है। तो कभी भी लापरवाही ना करें, अगर इनमें से कोई भी एनिमल आपको काटता है तो ऑफिशियली आपको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अपना करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर तरुण, SVO गवर्नमेंट वेटनरी पॉलीक्लिनिक भिलवाड़ा। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर अमित मेहता द्वारा गो विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए पुस्तक का विमोचन किया। यह परीक्षा आगामी 22 अक्टूबर को संपूर्ण जिले में एवं समस्त विद्यालयों में आयोजित की जाएगी।
गो विज्ञान परीक्षा के विभाग संयोजक घासीराम जाट ने बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य गोमाता के प्रति छात्र छात्राओं में सेवा और सुरक्षा का भाव जगे, गोमाता को अपनी माँ माने, गोमाता में सभी देवी देवताओं का निवास है, गोमाता का पंचगव्य चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किसी भवन या भूमि में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होने पर उसमें गोमाता रखने से समस्त वास्तु दोष का निवारण हो जाता है, यही सभी बातें गोमाता के महत्व को छात्रों को जागरूक करने के लिए गो विज्ञान परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस गो विज्ञान परीक्षा में भीलवाड़ा विभाग से 21,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्त परीक्षा के पुस्तक के विमोचन के अवसर पर अशोक कोठारी, विधायक भीलवाड़ा राकेश पाठक, महापौर चांदमल सुमानी, कैलाश खोईवाल, ललित चीपर, सत्येंद्र जैन, विनोद कुमार गोकरू, भगवती लाल तेली, महावीर आर्य, चेतन मान सिंह, गजेंद्र सिंह इत्यादि सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुरास ग्राम पंचायत क्षेत्र के मेहताजी का खेड़ा गांव में चंबल पेयजल योजना के पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 माह पूर्व तोड़ी गई सीसी सड़क और नालियों को ठीक नहीं कराने से ग्रामीणों को भारी परेशानी देखनी पड़ रही है। पूर्व सरपंच कालू सिंह चौहान बालूनाथ योगी ने बताया कि बालाजी का चौक, तेजाजी का चौक में नाली व सीसी रोड को चंबल पेयजल योजना वालों ने तोड़कर पाइपलाइन के लिए खाई खुदवाई। खाई खोदे 5 महीने हो गए लेकिन अभी तक सीसी रोड और नाली वापस नहीं करवाई। बालाजी का चौक में मवेशियों के पीने के पानी की खेल बनी हुई है जहां मवेशी पानी पीने आते हैं, भारी परेशानी देखनी पड़ रही है। कनिष्ठ अभियंता अशोक कुमार को 5 बार कॉल कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मात्र आश्वासन दे रहे हैं। गाँव में कीचड़ हो रहा है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तेजादशमी को उत्सव के दौरान परेशानी हुई, अब नवरात्र का पर्व आ रहा है। कम खर्च बड़ा मुनाफा, भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। जिले के गंगापुर कस्बे की गोयरा पुल के निकट एक टेम्पो में अचकर होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र शंभु उस्ताद को सूचना दी। तब रात को करीब 1 बजे अपने रेस्क्यू टीम के सदस्य अनिल ढाबी, राहुल ढाबी, शेखर जिनगर, किसानिध्य माटोलिया और वन विभाग के नारायण सिंह के साथ विशाल अजगर को पकड़ा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। उसके बाद अजगर को वन विभाग की टीम के साथ मिलकर जंगल में छोड़ा गया। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। उपप्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता 17वें 19 वर्ष छात्र छात्रा का शुभारंभ 24 सितंबर मंगलवार को हुआ। प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में छात्र छात्राओं की कुल 34 टीमों के 497 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मेजबान सवाईपुर 17 वर्ष छात्र व छात्रा दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान करण सिंह बेलवा रहे, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुजर ने की। मुख्य तकनीकी सलाहकार सूर्यपाल सुथार ने बताया कि 17 वर्ष छात्रा फाइनल में मेजबान सवाईपुर ने सदाराम जी का खेड़ा को शिकस्त दी। 19 वर्ष छात्र फाइनल में प्रताप नगर भीलवाड़ा ने मेजबान सवाईपुर को हराकर विजय प्राप्त हुई। 19 वर्ष छात्रा फाइनल में बल्ला ने गांधीनगर भीलवाड़ा को हराते हुए खिताब जीता। 17 वर्ष छात्र फाइनल में मेजबान सवाईपुर ने प्रताप नगर भीलवाड़ा से जीता। गुड़ला के माली मोहल्ला स्थित सृजन विद्यापीठ विद्यालय में बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने अपने मॉडल्स प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा को साबित कर सभी को प्रभावित किया। विद्यार्थियों के कई मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। छात्र छात्राओं ने आवर्त सारणी के गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में प्रतिरोध, कार्बन के अपर रूप, खाद्य श्रृंखला, पवन चक्की, सोलर पैनल, ऊर्जा संरक्षण, चंद्रयान 1, वैक्यूम क्लीनर, विभिन्न प्रकार के मॉडल आदि प्रदर्शित किए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।